The Tortoise and the Cranes. A tortoise lived near a lake that was surrounded by high mountains. He loved to talk to his friends, the two cranes. I want to see what lies beyond the mountains. The two cranes had an idea. They found a strong stick and held on to either sides with their beak. The cranes asked the tortoise to hold the middle of the stick with his mouth. They also warned him not to open his mouth till they landed. The tortoise thoroughly enjoyed flying over a school and some children. The children looked up at the tortoise and clapped their hands in delight. The tortoise wanted to ask the cranes who the children were. The moment he opened his mouth to talk, he fell down and landed in a pool. शायद से आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी. चलिए अब इसी को हिंदी में सुन लेते हैं. तो बहुत इजी स्टोरी है और इसमें एक टॉर्टोइज है, मतलब आप उसे कछुआ बोल सकते हैं हिंदी में. और जो क्रेन्स है, क्रेन्स को सारस बोला करते हैं, नहीं तो करकोचा भी बोला करते हैं. तो दो सारस इस कछुए के बहुत अच्छे फ्रेंड थे. और ये कछुआ आप देख सकते कि जो पानी है यहाँ पे रहता है, वो हमेशा पानी में से जो बाहर जो माउंटेंस है वो पर्वत को देखा करता था और सोचा करता था इस पहाड़ के पीछे क्या होता होगा. तो उसने एक दिन अपने फ्रेंड्स जो सारस है उनसे पूछा कि तुम तो हमेशा जाते हो तो तुमको तो पता ही होगा कि इन पहाड़ों के पीछे क्या है. अरे मैं तो देखना चाहता हूँ लेकिन कैसे देखूँ, तो जो अगर मुझे तुम दिखा सकते हो तो दिखाओ उस पहाड़ों के पीछे क्या है. दोनों करकोच ने सोचा कि भाई अपने फ्रेंड ने वैसे भी कोई ज़्यादा चीज़ नहीं मांग ली है, देखना तो है. उसीलिए उन्होंने क्या किया, एक मोटी सी लकड़ी को दोनों ने एक एक साइड से पकड़ लिया. अब दोनों ने एक एक साइड से पकड़ लिया है और उसे बोला किसे, कछुए को, कि भाई तुम भी अब एक काम कर लो, जैसे हमने हमारे मुंह में इसको पकड़ के रखा है वैसे तुम भी अपने मुंह में इसे पकड़ लो, ताकि हम जब उड़ेंगे तो हमारे साथ तुम भी उड़ोगे. लेकिन देखना मुंह बिल्कुल नहीं खोलना, अगर तुमने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो तुम नीचे गिर जाओगे, नीचे गिर जाने के बाद तुम्हें पता ही है क्या हो जाएगा. तो कछुआ बोलता है हाँ, और वो अपने मुंह में उस लकड़ी को पकड़ लेता है. ये होने के बाद वो सब आकाश में उड़ने लग जाते हैं. तो जब आकाश में उड़ते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है, दोनों फ्रेंड को भी अच्छा लगता है कि अपने कछुए को ज़िंदगी में कभी उड़ना नहीं, वो आज उड़ रहा है हमारे साथ. तभी जो ये तीनों जो उड़ रहे थे, ये एक स्कूल के ऊपर से उड़ रहे थे, तो नीचे जो स्कूल के बच्चे हैं वो उन्हें देख के उन्हें बहुत मज़ा आया और वो जोर जोर से क्लैप करने लगे. तो इस टॉर्टोइज ने, मतलब कछुए ने, जैसे ही नीचे देखा, अरे बाप रे ये बच्चे कौन है, ये इतना क्लैपिंग कर रहे, इतना चेयरिंग कर रहे, वो भी फ्री में कर रहे, ये कौन है, ये पूछने के लिए जैसे ही उसने मुँह खोला, मुँह खोलते बराबर क्या हुआ, कछुआ जो है वो नीचे धड़ाम से गिर गया. लेकिन भगवान की कृपा थी कि नीचे धरती माने नहीं, धरती नहीं थी, वहाँ पे पानी था, तो पानी होने के कारण वो उसका डेथ नहीं हुआ. तो ये स्टोरी थी, मैंने आप लोगों को सुनाई. मुझे पता है आपको बहुत पसंद है, तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद जी.